में साल ना सिर्फ सबसे ज्यादा धान की खरीदी हुई है, बल्कि धान बेचने के लिए जितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके अनुपात में अब तक सबसे ज्यादा किसानों ने धान बेचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि इस साल 93.11% किसानों ने धान बेचा, जबकि दो साल पहले तक धान बेचने वाले किसानों का आंकड़ा 90% को भी नहीं छू पाता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है और इस साल करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया है। 18,20,000 किसानों ने धान बेचा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बनने के बाद धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदे गए। रिकॉर्ड सिर्फ धान खरीदी में नहीं बना, बल्कि इस साल सबसे ज्यादा किसानों ने 18,20,000 किसानों ने धान बेचा है। छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी के रिकॉर्ड बनाने का आंकड़ा यहीं आकर नहीं थमा, बल्कि जितने किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया था उसके अनुपात में धान बेचने का प्रतिशत भी सबसे ज्यादा रहा है। साल 19-20 में 19,55,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 18,20,000 किसानों ने धान बेचे, मतलब 93.11% किसानों ने अपने धान बेच दिए। इस आंकड़े को छत्तीसगढ़ ने आज तक नहीं छुआ था। हमारे कार्यकाल में दोनों साल आप देखेंगे 18-19, 19-20 में जहां 16,98,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके विरुद्ध 15,71,000 किसानों ने धान बेचा और 19-20 में 19,55,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके विरुद्ध 18,20,000 किसानों ने धान बेचा। इसका अर्थ यह है कि पिछले साल 92.5% किसानों ने धान बेचा और इस साल 93.11%, जबकि उसके शासन काल में आप देखें 12-13 में 68%, 13-14 में 71%, 15-16 में 83%, 16-17 में 87% और 17-18 में 76%। जाहिर है आने वाले सालों में स्थिति और बेहतर होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आंकड़े तब हैं जब पिछले एक साल में प्रदेश में धान बेचने वाले किसानों की संख्या करीब 3 लाख बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। चलिए बड़ी खबर बताते हैं आपको। राज्यसभा चुनाव